अस्सलाम वालेकुम फिटनेस फिट के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद जी आया हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही जबरदस्त नुस्खा लेकर मैं आप अहबाब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ऐसा कमाल का नुस्खा मैं आज बताने लगा हूँ जो मर्द और खवातीन दोनों के लिए मुफीद है। वो अहबाब जिनको डॉक्टरों ने बिल्कुल लाइलाज कर दिया है, बांझपन का फतवा दे दिया है, यानी कि जितने भी आप डॉक्टरों के पास गए हैं जिन्होंने भी आपको ये कह दिया है कि मादा मनविया कम होने की वजह से आपकी औलाद नहीं हो सकती, तो मर्द और खवातीन के लिए ये एक सुनहरी नुस्खा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह आपके मादा मनविया में इतनी वाफर मकदार में बच्चा पैदा करने वाले जरासीम पैदा होंगे जिससे आप हमला हो सकती हैं, खवातीन जो थी वो हमला हो जाएंगी, मर्द की भी ताकत में बेपना इजाफा होगा। जब जहरी बात है मर्द का मादा मनविया गाढ़ा होगा तो टाइमिंग में ऑटोमेटिकली इजाफा होगा, अजू में सख्ती आएगी, तंदी आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इतनी हुई खोई हुई ताकत है बचपन की गलतकारियों से या जवानी में जो उल्टे काम आपने किए हैं, इंशाल्लाह उसका अजाला होने वाला है। बहुत ही कमाल का नुस्खा है, कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करता, बस जल्दी से नुस्खा आपके हवाले करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिटनेस फैक्ट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस न कर सके। तो नुस्खे का बाकायदा आगाज करता हूँ। दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, तुखमे कूंच लेनी है। तुखमे कूंच आपने 40 ग्राम ले लेनी है। दूसरे नंबर पे आपने तुखमे हयात लेना है, तुखमे हयात भी 20 ग्राम ले लेना है। और आखिरी जो चीज है वो है तुखमे सरस, तुखमे सरस भी आपने 20 ग्राम लेना है। अब आपने क्या करना है, तीनों का अच्छे तरीके से सफू बना लेना है, यानी इनको पीस लेना है, और जो पाउडर बनेगा उसको आपने 5 ग्राम यानी छोटी जो निसफ चम्मच है वो आपने सुबह और शाम को हमरा दूध के साथ इस्तेमाल करनी है। इंशाल्लाह 1 से 2 हफ्ते आप इस्तेमाल करेंगे, जरासीम कसीर तादाद में पैदा होने शुरू हो जाएंगे। शादी शुदा अफराद के लिए ये नुस्खा इस्तेमाल करने से मुराद ये होगा कि सोने पर सुहागा का काम करेगा। बेशक आप इसको इस्तेमाल करें, इसको अपने पास लिख कर सेव कर लें, जहां जहां जो जो भी इस बीमारी में मुबतला है, बांझपन की बीमारी में मुबतला है, तो उसके हवाले करें, इंशाल्लाह शिफा याब होगा। ऐसे ही जबरदस्त नुस्खे जानने के लिए दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मुझे अब दीजिए इजाजत, में मिलता हूँ कल इसी तरह के नए और बेहतरीन नुस्खे के साथ। दो में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।